आज हमने आम आदमी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेवाओं की शुरुआत की है। मुंबई से पटना जाने के लिए, मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने के लिए, मुंबई से जो गाजीपुर से ट्रेन चलती है उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए इस तरह की नई सुविधाएँ शुरू की है। उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों से बड़ी मात्रा में लोग मुंबई में आकर बसे हुए निवास में करते हैं, काम के लिए आते हैं, कुछ और रिलेटिव्स को मिलने के लिए आते हैं। इनके लिए आने जाने के लिए सुविधा करने के लिए बहुत अच्छी मात्रा में अंत्योदय जो आम आदमी की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे बजट पिच में कहा था उसको इम्प्लीमेंट किया है। पहले से कहीं चले आज नई ट्रेन की शुरुआत की है, बांद्रा टर्मिनल से निकलेगी। उसी तरह से पटना में जाने के लिए नई ट्रेन की शुरुआत भी की गई है, हम सफर एक्सप्रेस भी चलेगी, जिसका भी लाभ लोगों को बड़ी मात्रा में होगा। वाईफाई सेवाएँ देश में हर जगह हम दे रहे हैं, मुंबई में सबसे ज़्यादा वाईफाई सभी स्टेशनों के ऊपर भी दिए जा रहे हैं, एस्केलेटर्स बड़े मात्रा में सब जगह में लगाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन वहाँ के सांसद जी भी कह रहे थे कि कोई उसको पहचान भी नहीं सकता, इतना परिवर्तन हम लोगों ने 3 साल में रेलवे स्टेशन पर लाया है। उसी तरह से 16 नए स्टेशन हम मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से उसको भी पुनर्विकास करने के लिए हमने काम की शुरुआत अभी जल्दी करेंगे। साथ साथ में विद्युतीकरण आज जो उत्तर महाराष्ट्र में हुआ है उसका भी राष्ट्रार्पण का कार्यक्रम हुआ, 42% से विद्युतीकरण आज देश में हुआ है, हम इसको बढ़ोतरी करकर डबल करेंगे अगले 5 साल। और साथ ही में जो भी सिंगल लाइन है उसको डबलिंग करने के लिए 16,500 किलोमीटर, यानी स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने जो स्वीकृति की थी वो 20,000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा थी, और 3 साल में 16,500 किलोमीटर काम को मिल सकता है। उसी तरह से आज हम लोगों ने मीटर गेज टू ब्रॉड गेज कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोगों ने सब जितने भी देश में मीटर गेज हैं उसको पूरी मात्रा में ब्रॉड गेज कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको स्वीकृति दी। साथ ही में मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू हावड़ा जो हमारे मेन ट्रंक रूट्स है, 2 मेजर ट्रंक रूट्स है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए काम की शुरुआत जल्द की जाएगी, उसका भी बड़े मात्रा में लाभ होगा। जो स्पीड बढ़ाने के लिए लोकोमोटिव चाहिए, इंजन चाहिए, तो इंजन की वर्ल्ड के बेस्ट जी और अल्स्टॉम एक अमेरिकन कंपनी, एक फ्रेंच कंपनी पूरे देश में बनाएगी, उसकी भी शुरुआत मैन्युफैक्चरिंग और कुछ हफ्ते में मार्केट में आ जाएगी। तो इस समय पूरी मात्रा में रेल में बदलाव लाने के लिए हम कोशिश में लगे हुए और मुझे विश्वास है उसका लाभ लोगों को।